पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अदानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ। तो ये मैंने आपको सिर्फ दो उदाहरण दिए हैं स्पीकर सर। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है, हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की, इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो, आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज एक मिनट, प्लीज प्लीज बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने देश की हत्या की है मणिपुर में, मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए आप, एक तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए। अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ मैं, मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ मैं, आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में, एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। रावण रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो, आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपकी पीठ पर, आपके आसन पर जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया उसका मैं खंडन करती हूं। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया
मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूँ, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की, अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन इनकम्पिटेंस। यू आर नॉट इंडिया। मैं आज गांधी खानदान से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूँ, क्या भारत केवल उत्तर भारत है? अगर दम है तो अपने पार्टनर को मुंह तोड़ जवाब दे, अगर हिंदुस्तान में आस्था रखते हैं। कांग्रेस के एक नेता ने अध्यक्ष महोदय कोर्ट में जाकर वक्तव्य दे दिया कि कश्मीर में रेफरेंडम की तलाशना चाहिए संभावना। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूँ, क्या उनके आदेश अनुसार ये वक्तव्य कि कश्मीर का खंडन हो, भारत विभाजित हो, क्या ये कांग्रेस के नेतृत्व के आदेश के अनुसार है? अध्यक्ष महोदय, पुनः कहती हूँ हमारे राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत माँ की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर माँ की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। इस देश में ना धारा 370 लौटेगी, इस देश में कभी भी पंडितों को रलीव सलीव गलीव का धमकी कोई देने वाले बचेगा नहीं। चाहते हैं कि मणिपुर पे चर्चा हो, मणिपुर पे चर्चा करने के लिए बार बार पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री ने गुहार लगाई, बार बार देश के गृह मंत्री ने कहा, हमारे श्रद्धे राजनाथ जी ने भी कहा कि आप मणिपुर पे सदन पर चर्चा कीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। भागे ये हम नहीं, भागे ये और हम नहीं। और भागने के पीछे कारण क्या? क्योंकि गृह मंत्री जब बोलने लगेंगे, पढ़ते जब खुलने लगेंगी, तब ये मौन साध लेंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर राष्ट्र के सभी नागरिकों के साथ पुनः विश्वास दर्शाते हुए अपना वक्तव्य देती हूँ। लेकिन राहुल जी ने किस पर विश्वास जताया? राहुल जी ने विश्वास जताया मुस्लिम लीग पर, कहा सेक्युलर पार्टी है। शायद राहुल जी ने ना पढ़ा हो कि 80 के दशक में मुरादाबाद में 83 लोगों को मारने वाली मुस्लिम लीग, राहुल जी को बताना पड़ेगा सेक्युलर कैसे हुई। राहुल जी को आज जवाब देना होगा कि वो राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं तो क्या जेएनयू में जाकर जब भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा दे रहे थे, वो राहुल गांधी की देशभक्ति थी? राहुल गांधी को आज जवाब देना होगा, है तो नहीं? उनको आज जवाब देना होगा, जिस अफजल गुरु ने इस संसद पर हमला किया, उस अफजल गुरु के संरक्षक समर्थक को कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी का नेता बना दिया, जिसने कहा ये राहुल गांधी की देशभक्ति है। उथल पुथल होगी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, विपक्ष इस उथल पुथल को कैसे इस्तेमाल कर सकता है ये मैं सोच रहा हूँ। फिर उनका शब्द है, देश में केरोसिन फैला है, हमें एक चिंगारी की जरूरत है। आज पूछना चाहती हूँ, माचिस ढूंढते ढूंढते राहुल गांधी कहाँ कहाँ गए? अमेरिका गए? तन
अंसारी के साथ, जो पाकिस्तानी इमाम जावद अहमद के साथ ताल्लुक रखते हैं, अमेरिका में अपने कार्यक्रमों को उनके साथ करवाया। राहुल गांधी, मिन्हाज खान, जो हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की। आज जो लोग इस देश में एस्पियोनाज के लिए पकड़े जाते हैं, उनका राहुल गांधी ने जाकर विदेश में समर्थन किया। वे तब से अडानी अडानी कर रहे हैं, तो अब थोड़ा मैं भी बोल दूं, फोटो मेरे पास भी है, इतना ही खराब है तो जीजा जी उसके साथ क्या कर रहे हैं। मुंद्रा पोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने अडानी को जगह दी, तब प्रधानमंत्री कौन थे? कांग्रेस के थे। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। अडानी बोल रही हूँ, यूपीए के कार्यकाल में अडानी को इन्होंने 72,000 करोड़ का लोन दे दिया। क्यों दिया? राजस्थान में 60,000 करोड़ से ज्यादा का समझौता कर लिया गहलोत जी के साथ, 20,000 एकड़ जमीन ले ली। क्यों किया? केरल में कांग्रेस की यूडीएफ सरकार के साथ पोर्ट का काम क्यों दिया? महाराष्ट्र में जब कांग्रेस के पास सत्ता थी, तो फिर कांग्रेस ने अडानी को पोर्ट का काम क्यों दिया? बंगाल में हल्दिया पोर्ट का काम अडानी को क्यों दिया? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अडानी को काम आदिवासियों ने मना किया, फिर भी क्यों दिया? अब इसमें बेटा कितना सेट होगा, दामाद को कितना भेंट होगा, हम क्या जाने। लेकिन आज अरे दामाद का मामला, बैठ जा भाई, दामाद आपका नहीं है, जिनका है वो नहीं चिल्ला रहे, आप क्यों चिल्ला रहे, बैठ जाइए भाई। जिसका है दामाद वो नहीं चिल्ला रहे, आप क्यों चिल्ला रहे, बैठिए। अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कोयले घोटाले में पकड़े गए, 2G में भी पकड़े जाएंगे, बैठ जाइए प्लीज, प्लीज। आप बताइए, पूरी बला की जड़ महोदय, पूरी बला की जड़ परिवारवाद में है, और परिवारवाद की राजनीति की जड़ कांग्रेस पार्टी में है। इनके अलायंस के लोग चारा खाते हैं, ये उनके घर मटन खाने चले जाते हैं। इनके अलायंस के लोग रेल की नौकरी के लिए गरीब की जमीन खाते हैं, जाके वो उन्हीं लोगों को गले लगाते हैं। और इनके सब के पीछे एक ही मजबूरी है, जो बड़ी विनम्रता से अधिकारी भी स्वीकारी कि मजबूरी हमारी कि तीसरी बार जनता कह रही है फिर एक बार मोदी की बारी। आज जिनके पास ना नीति थी, ना नियत थी, ना देश के प्रति निष्ठा थी, आज ना जो कभी हिंदू के हुए, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया, ना सिखों के साथ जिन्होंने इंसाफ किया, जो ना कभी महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित थे, ना नौजवान के सशक्तिकरण के लिए समर्पित थे, ना किसान के बलिदान को स्वीकार कर किसान की समृद्धि के लिए समर्पित थे, आज उनसे कहना चाहती हूँ कि जो समर्पित है, जो सबके विश्वास के साथ सबका विकास कर रहा है, उस पर देश को पुनः विश्वास दिखाएंगे, 24 में पुनः मोदी सरकार बनाएंगे। इस अविश्वास प्रस्ताव का मैं निषेध करती हूँ, और भारत माँ का जयकारा लगाते हुए जो भारत माँ की हत्या की बात कर रहे थे महोदय, उनसे कहना चाहती हूँ, अंग्रेज आए चले गए, मुगलिया सल्तनत आई खत्म हो गई, हिंदुस्तान आज भी है और आगे भी रहेगा, और हिंदुस्तान इस देश की तिजोरी की चाबी वापस उनकी माताजी के हाथ में नहीं देगा।